नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबर। उत्तर प्रदेश के शामली जनपद में रेत खनन ठेकेदार द्वारा जिला प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर और सरकारी खनन के पट्टे की आड़ में अवैध तरीके से खनन किए जाने की सूचना पर एसडीएम द्वारा दो खनन पॉइंट पर छापेमारी की गई, जहां यमुना नदी के बीच खनन होता देख एसडीएम का पारा चढ़ गया और उन्होंने खनन ठेकेदार को जमकर खरी खोटी सुनाई, जहां एसडीएम ने बिना नंबर प्लेट के दो डंपर भी सीज किए। इसके अलावा खनन ठेकेदारों को ओवरलोड न करने की सख्त हिदायत दी, लेकिन इसके बावजूद भी बेलगाम हुए खनन ठेकेदारों ने एसडीएम के आदेशों को ताक पर रखकर रेत से भरे ओवरलोड वाहनों को जमकर निकाला। वहीं एसडीएम द्वारा की गई छापेमारी से अवैध रेत खनन करने वालों में हड़कंप मचा रहा। आपको बता दें कि कैराना क्षेत्र के गांव मंडावर और नगलराई में 5-5 साल के लिए रेत खनन के दो सरकारी पट्टे आवंटित किए गए हैं, जहां बुधवार को एसडीएम कैराना को उक्त दोनों पट्टों पर अवैध तरीके से रेत खनन किए जाने की सूचना मिली, जिस पर एसडीएम कैराना अपनी टीम के साथ मंडावर और नगलराई में संचालित रेत खनन के पट्टों पर पहुंचे, जहां दोनों खनन के पट्टों पर भारी भरकम मशीनों से रेत खनन किया जाता दिख एसडीएम कैराना बेहद नाराज दिखे, जिसके बाद एसडीएम ने खनन ठेकेदारों को बुलाकर उन्हें जमकर लताड़ पिलाई और बिना नंबर प्लेट के दो डंपर का चालान भी कर दिया। इसके बाद एसडीएम कैराना ने खनन ठेकेदारों को ओवरलोडिंग को लेकर सख्त हिदायत दी, लेकिन इसके बावजूद भी खनन ठेकेदार ओवरलोड वाहनों को धड़ल्ले से निकालते दिखाई दिए। वहीं इस पूरे मामले में एसडीएम कैराना ने बताया कि बिना ओटीपी के खनन किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। इसके अलावा कुछ आधारभूत सुविधाओं को लेकर भी सूचना मिली थी, जिसके चलते डीएम और एडीएम के निर्देश पर हम लोग यहां पर पहुंचे, जहां सभी चीजें लगभग सही पाई गई। इसके अलावा दो डंपर जो बिना नंबर प्लेट के चल रहे थे, उन पर भी कार्रवाई की गई है। अब तो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।